अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको पालक गोश्त बनाने की रेसिपी देती हूँ। ये हमारा पालक गोश्त जो है, आज मैं आपको कुछ देगी स्टाइल में पालक गोश्त बनाने की तरीका बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डलती हैं और कैसे बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने ये स्पिनिच ली है, ये मेरे पास तकरीबन 900 ग्राम का पैकेट था फ्रोजन, उसको मैंने हाफ पैकेट लेकर तो 4 कप पानी डालकर उसके अंदर मैंने उसको बॉईल करके तो बारीक सी इसको ये देखे पेस्ट सी बना ली है। तो बिल्कुल आपने उसका पानी जब पेस्ट बनाए तो पानी उसका ड्राई नहीं करना, तकरीबन उसके अंदर 1 से 1.5 कप जो है वो पानी रह जाना चाहिए, तब उसकी ये पेस्ट आपकी ये रेडी हो जाएगी। ठीक है, तकरीबन पेस्ट बनाने के लिए आपने इसको 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है ताकि पालक का जो कलर है वो अच्छे तरीके से निकल आए। और मीट मैं इसके अंदर शामिल करूंगी, 1/2 किलो मैं डालूंगी इसके अंदर, जितना ही मेरे पास पालक का वेट था उतना ही मैंने मीट लिया है। मसालों में मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, क्यूमन सीड है मेरे पास, ये ग्रीन कार्डिमन है, ये ब्लैक कार्डिमन है, और ये लौंग और काली मिर्च है। ये देखें, लौंग मैंने तकरीबन 6 से 7 लिए हैं, ब्लैक पेपर जो है 1/2 टीस्पून ली है, और ये दालचीनी जो है मेरे पास ये 2 स्टिक, ये देखे मैंने इतने इतने पीस लिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, मैं आपको सही तरह दिखाऊं। और ये करी पत्ता है मेरे पास, बे लीव्स, ये मैंने 2 इसके अंदर यूज करूंगी। ठीक है, और साथ ही मैंने जिंजर जो है वो क्रश कर लिया है, पेस्ट नहीं बना के डालेंगे क्योंकि क्रश का टेस्ट और पेस्ट का टेस्ट जो है वो टोटली डिफरेंट आता है खाने में। तो मसालों के अंदर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, एंड सॉल्ट जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, वैसे मैं यहाँ पर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ली है मेथी, ये फ्रोजन मेथी है मेरे पास, अगर आप फ्रेश यूज करना चाहती हैं तो फ्रेश भी कर सकती हैं। आपको मैं आइडिया दे दूं कि फ्रोजन मैंने ये आम मिलती है क्यूब्स की शक्ल में, 2 क्यूब्स से बहुत बड़े बड़े साइज के, तो मैंने उसको हाफ कर लिया, ये टेबल स्पून आपके बन जाएंगे, 3 टेबल स्पून आपके हो जाएंगे इस तरह से अगर आप फ्रोजन यूज करेंगे तो। और ये मैंने 1 ऑनियन लिया है, गार्लिक यहाँ पे मैंने लिया है, ये देख लें आप तकरीबन 1 टेबल स्पून फुल आपका इस तरह होगा। तो सबसे पहले मैंने पालक को पहले बॉइल करके रख लिया था टाइम बचाने के लिए, सबसे पहले हम अपना मीट रेडी करेंगे। जब हम स्पिनिच इसके अंदर ऐड करेंगे तो उसको
भी तकरीबन हमने हाफ एन आवर के लिए इसको कुक करना है स्पिनिच को डाल के, तो उसका अच्छा सा कलर और टेस्ट आएगा। इस वजह से आप इसको हाफ कुक रखिएगा, ठीक है। और साथ ही फिर हम ये करेंगे कि इसके अंदर जब ये जिंजर डालेंगे और साथ ये जो गरम मसाला साबुत है ये वाला हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भून लेंगे। पहले थोड़ा सा ऑयल वॉश का निकल आया तो मैंने साथ ही इसके अंदर मेथी ऐड कर दी। तो अब हम इसकी अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे ताकि मीट की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और जो मेथी का कच्चा पन है वो भी ख़त्म हो जाए। मैंने इसको नॉन स्टिक कढ़ाई में निकाल लिया ताकि ये नीचे से लगने ना पाए, क्योंकि प्रेशर कुकर में फ़ौरन जो है खाना बहुत जल्दी लग जाता है। तो पालक को हमने बहुत देर के लिए कुक करना है, तकरीबन हाफ एन आवर के लिए, तो इस वजह से मैंने इसको इसमें चेंज कर लिया। तो बस जब भी पालक डाल के तो आपने इसको ऐसे छोड़ना नहीं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको चम्मच हिलाते रहना है और बहुत ज़्यादा वो छींटे छोड़ती है उस ढक्कन में, इसका लीड जो है वो ऊपर ही रखिएगा ताकि जो छींटे उड़े वो आपका आपको नुकसान ना पहुँचाए। बस इसको अच्छी तरह से हम इसको बुनाई कर लेंगे, जैसे मेथी भूनने के बाद मैंने अब इसके अंदर जो है पालक वो ऐड कर दी है, आप स्पिनिच जो मैंने आपको बताई थी वो ऐड कर लें। अब इसको मिक्स कर लेती हैं तो आप इसको बिल्कुल हाई हीट पर इसको पकने दीजिएगा और इसके ऊपर लिड रखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छींटे छोड़ती है। तो जब इसका पानी ड्राई हो जाए फुली पालक का, तो फिर आपने इसको हल्की आग पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको छोड़ना जी। तो आप देख सकती हैं कि हमारी जो स्पिनिच है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देखें इसका कलर कितना अच्छा, बिल्कुल आपको याद होगा कि पाकिस्तान की जो देगी पालक होती है बिल्कुल आपको उसका इस पालक का टेस्ट जो है सेम वैसा ही मिलेगा। बस आपने ये अच्छी तरह से इसका ऑयल देखे अलहदा अलहदा से हो गया है, मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ कि जब इसका कलर चेंज हो जाए ग्रीन। कभी भी जो स्पिनिच है वो खाने में अच्छी नहीं लगती, वो कच्ची कच्ची सी लगती है क्योंकि कुक नहीं की हुई। जब तक आप इसको हाफ एन आवर के लिए कुक नहीं करेंगी ज्यादा से ज्यादा, या ऑयल का आप कलर देख लें, इससे आइडिया लगा लें कि ये कलर जो है बिल्कुल चेंज होना चाहिए इस तरह से, तो फिर आपकी जो ये स्पिनिच है वो रेडी होगी। तो मैं आप लोगों को डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने डिश आउट कर दी है, बहुत से लोगों ने हमसे फरमाइश की थी कि प्लीज आप जो कुक करती हैं उसको डिश आउट भी करके दिखाया करें, तो ये लीजिए हमने आपके लिए डिश आउट भी कर दी है। तो आप इसको चावलों के साथ पालक गोश्त का जो मज़ा आता है बहुत ही मज़े की लगती है। कुछ लोग रोटी, कुछ लोग नान के साथ भी पसंद करते हैं, लेकिन आप चावलों के साथ या नान के साथ या रोटी के साथ किसी चीज़ के साथ भी आप इसको खाएंगे तो बहुत मज़े की लगेगी। तो नाज़रीन मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये पालक गोश्त की रेसिपी आपको बहुत पसंद।